Hello, welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, and it is my email ID. The lecture will be in bilingual mode and will be very useful for various teaching examinations, and today I am going to discuss a new topic under educational psychology, a very interesting topic, a very relevant topic, emotional intelligence. इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक है जो आप एजुकेशन के स्टूडेंट हो, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हो, आप किसी भी विधा से किसी भी डिसिप्लिन के आप स्टूडेंट हो, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है. आपके एजुकेशन और साइकोलॉजी के तो कोर्स में है, इसलिए हमको पढ़ना है और हमको समझना है, और हमको ये भी जानना है कि क्या चीज़ है, कैसे इमर्ज हुई, कैसे हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य क्या है, इमोशनल है, ह्यूमन बीइंग. इमोशन से तो उसका ऐसा संबंध है कि आप उससे छूट नहीं सकते. इसलिए आइए देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है. सबसे पहले हिस्ट्री, कहाँ से इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होने लगी. शुरुआत में हमने इंटेलिजेंस पूरा पढ़ा है, आपको बताया है हमने इंटेलिजेंस कैसे शुरू हुआ, कितनी सारी थ्योरी है, कहीं उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का नाम ही आता है. तो कहाँ से ये इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया है, इसका सूत्रपात पीछे से मिलता है, पुराने समय से मिलता है. कहाँ से, जब थॉर्नडाइक पहली बार बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंस की. कब बात कर रहे हैं वो, 1930 में बात कर रहे हैं, 2022 चल रहा है, लगभग 100 साल पहले थॉर्नडाइक सोशल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे. जब वो बात करते हैं सोशल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, तब उसमें वो सोशल इंटेलिजेंस में उसको लाते हैं कि हम सामाजिक रूप से कितने बुद्धिमान हैं, है ना. तो एज अर्ली एज इन द 1930s द साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू गेट अलोंग विद अदर पीपल. कैसे हम लोग दूसरे लोगों के संग अच्छे तरीके से मिक्सअप हो पाते हैं, वो योग्यता वो सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं. वहां से आप कह सकते हैं कि शुरुआत होती है इमोशनल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट की. उसके बाद डेविड बेशलर हमको 1940 में बताते हैं प्रपोज दैट डिफरेंट इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ सक्सेसफुल पीपल आर इन लाइफ. मतलब डेविड बेशलर की हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो बताते हैं हमको कि बुद्धि के जो है बहुत सारे भावात्मक उसके घटक हैं जो इफेक्टिव हैं. इफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ सक्सेसफुल पीपल आर इन लाइफ. सॉरी, यहाँ पे इफेक्टिव नहीं, इफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स है, मतलब भावात्मक नहीं, वो कॉम्पोनेंट्स भी इंटेलिजेंस के बहुत प्रभावी हैं जो ये तय करते हैं कि लोग जीवन में कितना सफल हैं, कैसे सफल हैं. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस से ये चीज जुड़ी हुई है कि हम कितने सफल हैं, कैसे सफल होते हैं. फिर अब्राहम मैस्लो की हम लोग हायरार्किकल स्टेज थ्योरी पढ़ते हैं, वो हमको क्या बताते हैं, फोकस ग्रेटर अटेंशन ऑन द डिफरेंट वेज दैट पीपल कुड बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ. वो उस पर बहुत इम्फेसिस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, हमको ध्यान देने को कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे जो व्यक्ति है वो सांवेगिक शक्ति का निर्माण कर सकता है, कैसे हम इमोशनली स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपने आप को, है ना. इमोशनली स्ट्रेंथन करना अपने आप को बहुत जरूरी है. देन अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू इमर्ज इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज द नोशन ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस. देखिए, हम लोगों ने हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी पढ़ाई है. उसमें क्या कहते हैं, वो बहुत सारे इंटेलिजेंस के नोशंस की बात कर रहे हैं जिसमें कि वो दो तरीके के नोशन कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. तो जो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये दोनों इंटेलिजेंस अगर आप मिला दें तो आप कह सकते हैं कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को जन्म दे रहा है. क्योंकि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है कि हम दूसरे व्यक्तियों के संग कितनी अच्छी तरीके से समअप होते हैं, मिक्सअप होते हैं, समझते हैं. और इंट्रापर्सनल क्या है कि हम अपने आप को कितना बढ़िया समझ रहे हैं. तो आप आगे देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस यही है. तो इन्होंने दिस कंसेप्ट वाज पुट फोर्थ इन द मिड 1970s बाय हॉवर्ड गार्डनर इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया दैट इंटेलिजेंस वॉज मोर देन जस्ट अ सिंगल जनरल एबिलिटी. हॉवर्ड गार्डनर जी फैक्टर को क्रश करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक सिंगल जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस नहीं है, जबकि बहुत सारी इस तरीके की बातें करते हैं वो, बहुत सारे इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं. फिर इमर्जेंस इसकी कैसे होती है, अगर हम देखें कि उत्पत्ति इसकी कैसे हो रही है, तो 1985 से पहले तक इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं थी लिटरेचर में. इट वॉज नॉट अंटिल 1985 दैट द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय इन ए डॉक्टरल डिसर्टेशन बाय वेन पेन.
इन्होंने पहली बार अपना एक डॉक्टरल डिसर्टेशन 1985 में लिखा और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। इन 1987 एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन मेंसा मैगजीन कीथ बीसले यूजेस द टर्म इमोशनल कोशेंट। फिर 1987 में हमको ये इमोशनल कोशेंट के टर्म का यूसेज मिलता है। फिर जो दो नाम तीन नाम आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़े वो हैं पीटर सलोवेन, जॉन मेयर और डेनियल गोलमैन। मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस का समझ लीजिए कोई सवाल इनके बिना बनना बहुत मुश्किल है। थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, इंटरव्यू में, वाइवा में, सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1990 में साइकोलॉजिस्ट पीटर सेलोवे और जॉन मेयर पब्लिश कर रहे हैं अपना लैंडमार्क आर्टिकल। मतलब पब्लिश करने से पहले नहीं पता था, पब्लिश करने के बाद ये एक लैंडमार्क आर्टिकल बन गया। उनका नाम ही था उसका इमोशनल इंटेलिजेंस। और किस जर्नल में उन्होंने पब्लिश किया? इमेजिनेशन, कॉग्निशन एंड पर्सनैलिटी। ये जर्नल था जिसमें वो 1990 में अपना आर्टिकल इमोशनल इंटेलिजेंस प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन ये नाम घर घर तक तब भी नहीं पहुंचा था, इतना पॉपुलर तब भी नहीं हुआ था। इसको पॉपुलराइज करने का श्रेय जो है वो डेनियल गोलमैन को जाता है। तो आपको ये डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि पॉपुलराइजेशन डेनियल गोलमैन से हो रहा है, लेकिन पीटर सेलोवेन, जॉन मेयर ने पहले इस पर काम किया है, पहले इसका यूज किया है। तो 1995 में, देखिए बहुत रीसेंट कंसेप्ट है, इतना पुराना नहीं है, सिर्फ अभी 2000 से 5 साल पहले का है ना, तब भी इतनी इस पे बातें हैं, इतनी थेरी है, इतना, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है ही। इन 1995 द कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज पॉपुलराइज्ड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ डेनियल गोलमैन्स बुक। ये बेस्ट सेलर बुक बन गई इनकी, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन आईक्यू। देखिए इसका टाइटल ही कितना कैची है कि संवेगात्मक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि क्यों ये आईक्यू से ज्यादा मैटर कर सकती है, क्योंकि उसके पहले तो सिर्फ आईक्यू की बात हो रही है कि हमको इतने सारे टेस्ट बन रहे हैं इंटेलिजेंस के मेजरमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ आईक्यू। उसके पहले लगता था कि प्रिडिक्शन कर सकता है, प्रिडिक्टर हो सकता है कि हम कितने सक्सेसफुल हैं। लेकिन आप देखिए कि बहुत सारे हाईली मतलब बहुत ज्यादा आईक्यू वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं जीवन में, नहीं संभाल पाते हैं स्ट्रेस को। तो तब ये कहाँ से कैसे वो इमोशनल स्ट्रेस को, जब डिस्ट्रेस को नहीं संभाल पाते हैं, तो ये पाया गया कि कहीं ना कहीं आईक्यू के अलावा भी कुछ है जो हमारी सक्सेस को मैटर करता है, जो हमारी सक्सेस के लिए ज़रूरी है, जो हमारे स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ से हमको मिल रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो पीटर सेलोवे एंड जॉन मेयर ने ही 1990 में एक वर्ल्ड फर्स्ट टू डेवलप ए साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक साइकोलॉजिकल थियरी डेवलप करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। और ईक्यू, जैसे आईक्यू है ना इंटेलिजेंस कोशेंट, उसी तरह से ईक्यू इमोशनल कोशेंट। तो डिस्क्राइब कैसे करते हैं इसको? सेट ऑफ स्किल्स, यानी कि कौशलों का समूह है, यानी कि बहुत सारे कौशल मिलकर हमको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं। हाइपोथेसाइज्ड टू कॉन्ट्रीब्यूट the accurate appraisal and expression of emotion in oneself and other। कह रहे हैं कि क्या है ईक्यू? एक कौशलों का समूह है, और वो ये मान रहे हैं, हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है किसमें? आकलन में। किसके आकलन में? अप्रेजल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, मतलब हम जान पाए, जांच पाए और अभिव्यक्त कर पाए किसको? अपने संवेगों को। इन वन सेल्फ एंड अदर, अपने अपने इमोशंस को भी संभाल पाए, समझ पाए और दूसरे के इमोशन को भी। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अपना इमोशन समझते हो, दूसरे के इमोशन से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है। एक्यूरेट अप्रेजल एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर, मतलब दूसरे के इमोशंस का भी हम सही सही आकलन लगा पाए, अपना भी लगा पाए, एंड द इफेक्टिव रेगुलेशन, और आकलन लगाने के बाद छोड़ नहीं देना है, उसको रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है, सही दिशा दिखानी है कि कब, कहाँ, कैसे, कौन सा इमोशन कितना हमको दिखाना है। इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ इमोशन इन सेल्फ एंड अदर्स, खुद में, स्वयं में और दूसरों में, और क्या करना है, एंड द यूज ऑफ फीलिंग्स, और जो फीलिंग्स हैं, जो हम भाव महसूस करते हैं, उसका प्रयोग हमको किसमें करना है? मोटिवेट, प्लान एंड अचीव इन वन्स लाइफ, मतलब कि अपने जीवन में हम अभिप्रेरित हों, कुछ योजना बना पाए और कुछ पा पाए। देखिए कितनी सारी बातें इसके अलावा जीवन में रही किया जाता है कि हम अपने आप को समझ पाएं, दूसरों को समझ पाएं, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाएं, दूसरे के इमोशंस को रेगुलेट कर पाएं, इफेक्टिव रेगुलेशन एंड यूज ऑफ फीलिंग्स, और जो फीलिंग्स हैं उसे हम अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और कुछ अचीव कर रहे हैं। ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, किस कैसे आप बताएंगे कि हाँ आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, या क्या चीज होनी चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए? इट रिफर्स टू द एबिलिटी, ये योग्यता है, किसकी योग्यता है? टू परसीव, यानी कि हम परसीव कर पाए, सही सही परसेप्शन हो हमारे पास, कंट्रोल, नियंत्रण हो,
एंड इवेलुएट और जांच पाए, सही जांच पाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम अपने ही अंदर क्या चल रहा है नहीं समझ पाते हैं तो दूसरों को कैसे समझेंगे। एंड इवेलुएट इमोशंस, यानी कि हम संभाल पाए, समझ पाए, आकलन कर पाए, नियंत्रित कर पाए और जांच पाए अपने संवेगों को। और द एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंड कंट्रोल इमोशंस इज एसेंशियल, मतलब कि हमको कितना अभिव्यक्त करना है, कितना नियंत्रित करना है संवेगों को, ये जरूरी है। बट सो इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड टू द इमोशंस ऑफ अदर्स, क्योंकि देखिए आप ह्यूमन बीइंग है ना, आप सोशल बीइंग है, आपको सोसाइटी में रहना है, लोगों से घिरे मिलजुल के रहना है, घिरे रहना है, तो सिर्फ अपना अपना इमोशन लेकर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, हमको दूसरे के भी इमोशन को समझना है, उसका इंटरप्रेट सही व्याख्या भी करनी है और रेस्पॉन्ड भी करना है। Then emotional intelligence is the capacity to blend thinking and feeling, यानी कि हमको क्या क्या मिलाना है, अपनी सोच को अपने भाव से अगर हम मिला पाए to make optimal decisions, और कैसे मिला पाए, ताकि हम best निर्णय ले पाए। It is being smarter with feelings, यानी कि हमको feelings के संग कैसे हम smartly behave कर सकते हैं, यही emotional intelligence है। और EI which we define as अच्छा देखिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, कहीं 4 कॉम्पोनेंट्स या डोमेन्स मिलते हैं, कहीं 5 मिलते हैं, तो जो 5 इसके आगे मैं बताऊंगी, जो 5 डोमेन या कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो डेनियल गोलमैन का दिया हुआ कंसेप्ट है। और वैसे आपको इन जनरल मिलेगा कि इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, 4 उसके आयाम है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। याद करने के लिए देखिए कैसे होगा, सेल्फ के प्रति अवेयर हूं और सोशल के प्रति अवेयर, समाज के प्रति अवेयर हूं, मतलब इन दोनों को एक साथ देख लीजिए, एक मिनट कहां गया कर्सर, ये सेल्फ अवेयरनेस, आप स्वयं के प्रति अवेयर हैं, और सोशल अवेयरनेस, बाहर जो आपके इर्द गिर्द है उसके प्रति भी अवेयर हैं, तो ये अवेयरनेस से रिलेटेड हो गया। और सेल्फ को मैनेज कर पाए, सेल्फ मैनेजमेंट, और रिलेशनशिप को मैनेज कर पाए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इस तरीके से सेल्फ एंड सोशल, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये तो 4 इसके आयाम हो गए जो इसकी परिभाषा में आते हैं, लेकिन जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, जब हम घटक की बात करते हैं, तो वो डेनियल गोलमैन के दिए हुए 5 घटक हैं। वो सवाल भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव लिखेंगे तब भी जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, तो हमको बताना चाहिए क्या है ये कॉम्पोनेंट्स इमोशनल इंटेलिजेंस के, सेल्फ अवेयरनेस, इम्पैथी, मोटिवेशन, बहुत गाड़ियां चल रही हैं यहां से, शोर आ रहा है, सेल्फ अवेयरनेस, इम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन और सोशल स्किल्स, है ना। तो हमारे पास इन्होंने एक ये मोटिवेशन और इम्पैथी, ये नई चीजों की बात कर दी जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात है, वही तो है ना भाई, देखिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स और इम्पैथी, मोटिवेशन, ये नई बात कर रहे हैं डेनियल गोलमैन उधर वाली छोड़ के। तो हमको कॉम्पोनेंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर 4 कॉम्पोनेंट है वो इन जनरल बात की जा रही है, पर जब डेनियल गोलमैन की बात की जाएगी तो ये 5 कॉम्पोनेंट की बात करते हैं। तो ये क्या है, कैसे ये 5 घटक मिलकर हमको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि बीइंग अ टीचर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हों, क्यों, ताकि हम अपने इमोशंस को समझ पाए और स्टूडेंट के इमोशन को भी समझ पाए, ये नहीं कि बस वन वे तो चलना नहीं है टीचिंग को ना, तो टू वे होना है, और उनको भी हम इमोशनली इंटेलिजेंट बना पाए, क्योंकि दुनिया में अब बहुत 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 स्ट्रेस है, हर दिन प्रतिदिन दुनिया में स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है, उसके अनगिनत कारण हैं। तो अगर वो इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे तो बढ़िया अपने इमोशंस को रील कंट्रोल कर पाएंगे और बेहतर निर्णय ले पाएंगे। तो डेनियल गोलमैन क्या बताते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, क्या कह रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशंस, यानी कि हमारे पास ये क्षमता हो, हमारे पास ये योग्यता हो कि हम पहचान पाएं और समझ पाएं अपने संवेगों को, यानी कि सबसे पहले आपको खुद को समझना जरूरी है, आपके मन में क्या चल रहा है यही आपको नहीं पता है तो आप सामने वाले का क्या समझेंगे और कैसे समझाएंगे। तो सबसे पहला फोरमोस्ट कॉम्पोनेंट इमोशनल इंटेलिजेंस का है सेल्फ अवेयरनेस, हमको सेल्फ को समझना है, इज ए क्रिटिकल इमोशनल इंटेलिजेंस के। फिर सेल्फ को समझ लिया, मतलब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि अच्छा ठीक है ये इमोशन दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है। फिर सेल्फ को रेगुलेट भी करना है, मतलब अगर वो गलत दिशा में जा रहा है, कुछ अनैतिक सोच रहा है, कुछ विध्वंसकारी सोच रहा है, तो हम उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, टू बी एबल टू रेगुलेट एंड मैनेज योर इमोशंस, यानी कि पहले हम पहचानेंगे फिर उसको रेगुलेट करेंगे, मैनेज करेंगे, नियंत्रित करेंगे उसको, रेगुलेशन उसका ठीक करेंगे। सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस एप्रोप्रिएटली, मतलब हमको सीखना है कि हमको कब कहाँ कैसे अपने इमोशंस को प्रकट करना है, कहीं भी आप कुछ भी इमोशनली मतलब इमोशंस अपने नहीं दिखा सकते हैं। पीपल विद स्ट्रॉन्ग सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स ऑल्सो टेंड टू बी हाई इन कंसियंटियसनेस, क्योंकि वो सोच के काम करते हैं, मतलब करने के बाद
नहीं सोचते। देन सोशल स्किल्स, अच्छा अब हमने अपने आप को समझ लिया, अब हमको क्या करना है, बगल अपने इर्द गिर्द वालों को समझना है। तो बींग एबल टू इंटरेक्ट वेल विद अदर्स, कितनी बढ़िया तरीके से हम दूसरों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर हमने देख लिया कि सामने वाले को कोई दिक्कत है, उसके चेहरे पर जो भाव है और जो वो बोल रहा है वो एक सार नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, इम्पैथाइज करेंगे उसके संग। इम्पैथी और द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ अदर्स आर फीलिंग्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब दूसरा कैसे फील कर रहा है हमको उसके लेवल पर जाकर समझना है। बट इट इन्वॉल्व्स मोर देन जस्ट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द इमोशनल स्टेट ऑफ अदर्स, ये नहीं कि हमने देख के समझ के छोड़ दिया कि हाँ वो बहुत परेशान है और हम निकल लिए तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, हमको समझना पड़ेगा, उसके लेवल पर जाके देखना पड़ेगा, इम्पैथाइज करना पड़ेगा उसके संग। देन मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं कि उसको समझेंगे तो हमको मिलेगा कुछ इनाम, नहीं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल। पीपल हु आर इमोशनली इंटेलिजेंट आर मोटिवेटेड बाय थिंग्स बियॉन्ड एक्सटर्नल अवार्ड्स, मतलब हमको कोई इनाम नहीं मिलने वाला है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला है, कोई प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली, कोई उसके लिए हमको तमगा नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम तब भी कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हैं ऐसा करने के लिए। तो ये पांच कॉम्पोनेंट्स हमको डेनियल गोलमैन बताते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी और मोटिवेशन। ठीक है, अच्छा अब बात होगी कि हमको इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, क्यों, क्योंकि हमको खुद को समझना है, दूसरे को समझना है, टीचर के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि क्लास में अगर इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा है, डिस्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, तो आपका पढ़ना पढ़ाना बेकार है, आपकी पढ़ाई हुई बात, आपका संप्रेषण हो ही नहीं पाएगा बच्चे तक, तो क्या जरूरत है। और वैसे भी इन जनरल हमको ईआई स्किल्स की जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों, लीडरशिप के लिए, क्योंकि आपको पूरे टीम मेंबर्स के संग काम करना है, किसी के संग आप एम्पैथाइज नहीं कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं रहे हैं वो क्या चाह रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, कोई तालमेल ही नहीं है, तो कभी काम अच्छे से नहीं हो सकता है वर्क प्लेस पे। इट अलाउज यू टू बी अ मोर इफेक्टिव लीडर, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स हमको अनुमति देती है हमको कि हम जो है वो एक प्रभावपूर्ण नेता बन पाए, लीडर बन पाए। देन अंडरस्टैंडिंग हाउ अदर्स आर फीलिंग्स अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद देम बेटर, जब हम दूसरे वाले को समझते हैं तभी तो हमारा उसके उनके साथ संवाद हो पाएगा ना, उसके मन में कुछ और चल रहा है, हम उससे जो बोल रहे हैं उस तक पहुंच ही नहीं रहा है बिकॉज उसकी में तो कुछ और ही टेंशन उसके दिमाग में, तो हमको उसके संग कम्युनिकेट बेटर हो इसके लिए जरूरी है कि हम समझ पाए कि वो क्या समझ रहा है। फिर knowing more about what you are feeling allows you to be more self-aware and understand yourself more deeply, khud ko behtar samajhne mein madad karta hai, by being more aware of your emotions you can also improve your self-control abilities, jab hum samajhte hain ki hum kya chahte hain to us disha mein kaam karenge to hum behtar karenge। फिर मैनेजिंग योर इमोशंस इफेक्टिवली अलाउज यू टू एक्सर्ट ग्रेटर कंट्रोल इन सिचुएशंस मार्क्ड बाय स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट, है ना, तो स्ट्रेस की दशा होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई द्वंद होगा, कोई तनाव होगा, तो हम बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि हमें एक्चुअली पता होगा कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। देन इंप्रूव रिलेशनशिप्स विद द पीपल वी केयर अबाउट, जिनकी हम केयर करते हैं, जिनकी हम देखभाल करना चाहते हैं, उनसे हमारा रिलेशनशिप बढ़िया हो सकता है, बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि वो मतलब हम समझ पाएंगे उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके कोई दिक्कत है क्या है, कुछ इमोशनली प्रॉब्लम में है, तो हम फिर उस हिसाब से डील करेंगे, है ना, तो बेहतर हो पाएगा। देन क्रिएट ए कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का कल्चर हम डेवलप कर सकते हैं अगर हमारे पास ईआई स्किल्स बढ़िया है तो। बिल्ड साइकोलॉजिकल सेफ्टी विद इन टीम, साइकोलॉजिकल सेफ्टी हो सकती है, बहुत जरूरी है। और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जितने भी द्वंद हैं इस तरह से वो खत्म हो सकते हैं क्योंकि सब चीजें समझ ही जा रही हैं, खुद को समझा जा रहा है, सामने वाले को समझा जा रहा है, तो ये कहने में बहुत आसान है एक लाइन में, लेकिन कितना मुश्किल है कि आप अपने आप को भी समझ पाएं, सामने वाले को भी समझ पाएं, अपने आप को भी रेगुलेट करें, उधर भी रेगुलेशन करने की कोशिश करें और ऑप्टिमल डिसीजन तक पहुंचे, मतलब ये तो क्रक्स हो गया लाइफ का। देन मेजरमेंट, क्या हम नाप भी सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, तो हाँ, बहुत सारे इसके लिए टेस्ट बनाए गए हैं, सेवरल असेसमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि किस हद तक हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। नेट पर आप चले जाइए, आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा हाउ मच इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर। Such assessments are frequently used to identify potential leaders within an organization. मान लीजिए कोई organization है तो हम वो test apply करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा जिसकी emotional intelligence सबसे बढ़िया निकलेगी आप उसको potential leader बना सकते हैं, उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें leadership potential है, है ना, उसको कोई अच्छी post दे सकते हैं, something like that. The most common types are self-report test और ability test.
सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट में क्या होगा, हम खुद बताएंगे, रिलाइज ऑन द रेस्पोंडेंट्स आंसर्स और स्टेटमेंट्स टू रेट देयर ओन बिहेवियर्स. हम अपने बिहेवियर को खुद रेट करेंगे कि ये सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, ना इस तरीके का. तो ये सेल्फ रिपोर्टिंग हो गई. और एबिलिटी टेस्ट में क्या होगा, रेस्पोंडेंट्स परफॉर्म टेस्ट्स टू असेस देयर एबिलिटीज टू परसीव, आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड एंड मैनेज सिचुएशंस. रेस्पोंडेंट जो होगा, जो विषय होगा, वो क्या करेगा, टेस्ट उस पर आप परफॉर्म करेंगे, और जो योग्यताएं उसकी, किस संबंध में योग्यता, सिचुएशन को कैसे वो परसीव कर रहा है, इस तरीके के सवाल होंगे ना कि ये सिचुएशन होगी तो आप क्या क्या करेंगे, ऑप्शन है इसमें टिक कीजिए या जो रेटिंग स्केल में रेट करिए, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे सिचुएशन को, कैसे समझेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इस तरीके के सवाल होते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका एम्प्लॉय है, आपका आपके अंडर में है, उसके संग ये प्रॉब्लम है, तो आपके चार ऑप्शन है कि क्या डील करेंगे, उसको निकाल देंगे या उसके संग बैठ कर बात करेंगे या दूसरे से उसकी शिकायत करेंगे, इस तरीके से. तो वो जज करेंगे कि आप कितने ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं. फिर हम सुधार सकते हैं या कैसे सुधार सकते, पहली बात तो क्या हम सुधार सकते हैं, तो यस, इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी लर्न, कैन बी इम्प्रूव्ड, कैन बी डेवलप्ड. तो क्या तरीके हैं, प्रैक्टिस अवेयरनेस. हमको मतलब अवेयर रहना है, कह रहा है ना कि उसमें दो तरीके की अवेयरनेस है, सेल्फ के प्रति भी और सोशल के प्रति भी, सोसाइटी के प्रति भी. तो अगर हमको अवेयरनेस की भी प्रैक्टिस करनी होगी, हमको मतलब यू कहते हैं चौकन्ना रहना होगा कि क्या चल रहा है, उसको सही सही हम परसीव कर सके. फिर लुक इनवर्ड, इनवर्ड मतलब कि हम कभी कभी बैठें भी एकांत में, चुपचाप सोचें, बैठें कि क्या है हमारे अंदर, हम एक्चुअली चाहते क्या है. बस भीड़ में भागे चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, पता ही नहीं है एक्चुअली चाहिए क्या. ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उससे फिर हैपजर्ड हो जाता है सब कुछ. फिर रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू अदर्स, क्योंकि हमको अपने इमोशंस के संग दूसरे के भी इमोशन का ख्याल रखना है, इसलिए हमको उसी तरह से रिएक्ट करना है, बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्ड करना है. लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, कहते हैं ना कि अपनी गलती आदमी को दोहरानी नहीं चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराता है. तो अपनी गलतियों से सीखना. इनहेंस इमोशनल लिटरेसी, इतना लिटरेचर इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशंस पे अवेलेबल है कि इमोशनल लिटरेसी की बात करें, भाई न्यूमेरिकल लिटरेसी और ये सब पढ़ते पढ़ते अब इमोशनल लिटरेसी, कि हम इमोशनली लिटरेट हैं कि नहीं, उसको कैसे बढ़ाना है. देन इंगेज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बच्चों को इस तरीके की हम सिचुएशन दें, इस तरीके का माहौल क्लास में क्रिएट करें कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, एक्सटर्नल रिवॉर्ड की उनको जरूरत ना हो कोई अच्छा काम करने के लिए. और एक्सरसाइज ऑप्टिमिज्म, बहुत देखने से ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत मुश्किल है, और अगर हमने इसको अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी. देन कंक्लूजन, हाउ कैन वी कंक्लूड, क्या सबसे पहली बात, अ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस इज दैट यू आइदर हैव इट और यू डोंट हैव इट. मतलब ये माना जाता है कि या तो हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या हम इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती. नहीं, ऐसा नहीं है. इन रियलिटी इट इज अ स्किल सेट यू कैन बोथ मेजर एंड इम्प्रूव. पर ये एक्चुअली है क्या कि कुछ कौशलों का समूह भर है जिसको हम विकसित भी कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं कि कितना है हमारे अंदर. फिर बिल्डिंग ईआई स्किल्स इज फंडामेंटल टू बीइंग द बेस्ट लीडर प्रोफेशनली एंड पर्सनली. अगर हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स हैं तो हम बहुत बढ़िया लीडर प्रोफेशनली और पर्सनली बन सकते हैं. क्यों? क्योंकि लीडर का काम क्या है, सबको साथ में लेके चलना या मैक्सिमम लोगों को साथ में लेके चलना. तो इमोशनल कंट्रोल से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता इसके लिए. देन इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर हम क्रक्स में कहें, एकदम जस्ट वन लाइन में कहना चाहें, तो क्या है, इज द एरिया ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी. है तो ये कॉग्निशन का ही पार्ट, इंटेलिजेंस है ना. तो थिंकिंग, फीलिंग, थिंकिंग किसका पार्ट है, इंटेलिजेंस या कॉग्निशन का. फीलिंग से इमोशंस जुड़ा हुआ है, तो हमको ब्लेंड किसको करना है, फीलिंग को थिंकिंग से. तो इज द एरिया ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी दैट फैसिलिटेट्स इंटरपर्सनल बिहेवियर, ताकि हम अब जिनके संग भी उठते बैठते हैं उनके संग हमारा व्यवहार एकदम सुविधाजनक हो जाए, फैसिलिटेट हो जाए, इसका मतलब हम इमोशनली इंटेलिजेंट है. और अकॉर्डिंग टू गोलमैन साहब हमको क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज द लार्जेस्ट सिंगल प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस इन द वर्क प्लेस. यानी कि जो संवेगात्मक बुद्धि है वो एक सबसे मतलब अकेला सबसे बड़ा ऐसा कारक है जो हमको बता सकता है कि हम वर्क प्लेस के सक्सेसफुल होंगे कि नहीं. बहुत बढ़िया हमारा काम चल रहा है लेकिन हमारा किसी से बनी नहीं रही है, क्या फायदा ऐसी सक्सेस का, और सुकून नहीं है जिसमें. ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. और मैं बहुत दिनों से इमोशनल इंटेलिजेंस पर वीडियो बनाना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी, पर मौका नहीं लग रहा था. तो चूंकि एमए फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स में है इमोशनल कॉम्पिटेंस, तो इसलिए उसकी नींव तैयार करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बताना जरूरी था. अब बात करेंगे इमोशनल कॉम्पिटेंस की. तो फाइनली नंबर आ गया इमोशनल इंटेलिजेंस का. सो थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. ओके, डन फ्रॉम माई साइड.